वाहे गुरु वाहे गुरु मेंडे आंटे से नैन महंदे पार्थ देख प्यारे आए मिल में तेरे बिसने मेरा मन तन बहुत बराजिया है प्यारा तत्पुर मिल हों मूर्ख कारे लाइया नानक हरे आए मिल वाहे परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी ख्याल चित विरतियां नू एकागर करिए रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उच्चारण कर पातशाह जी दी रहमत होई है सानू सारिआं नू संध्या वेले दे सतगुरु जी दे सजे दर ए सत्संग दीआं सुभाग घड़ियां प्राप्त हो रहीआं हन। किरपा है हुणे शब्द सरवण कर रही सी ते ओ कौण है हर हर जन दुई एक है बिब विचार किशना है जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखे समाहे। जो ओस दा रूप है क्योंकि जो इस तरह दे नाल जोड़दा है उमंग तिस गुरसिख की जो आप जपे अवर है नाम जपावे। सो कल आपां विचार शुरू कीती सी क्योंकि सत्संगत कोई दा दृष्टांत साखी प्रमाण नाल साढ़े अंदर भी चा आउंदा है कि किवें नाम स्थित होया जावे। नाम कोई ऐसा नहीं कि जा किसे कोल जाके लैना है, नाम तो अंदरों मिलदा है। ये सतगुरु जी दी कृपा है कि जो वो घर दिखा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। क्योंकि देह धारी जे गुरु ने धारण भी कीती ओ गुरु है तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई। आपां
विचार कर रहे सी कि नाम तक लगदा हुंदा है, गुरु तो मंत्र ले लिया, क्योंकि गुरु नाम नहीं देंदे, गुरु मंत्र देंदे हन। साडे इस घर विच प्यारे अमृत छकाउंदे होए गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं धारण करवाउण समय ओह दृढ़ करवाउंदे ने प्रैक्टिकल, आही गुरु गुरमंत्र है जप होमे खोई, मूल मंत्र दृढ़ करवाउंदे हन। ते इस तरह दे नाल किवें इस दी कमाई कर बोलदे हन, संतन की सुन साची साखी, सो बोले वो पेख है आखी। इस तरह दे नाल जिवें आपां हुणे शब्द पढ़दे सी कि ऐसा बराग आवे कि साडे अंदर चाह पैदा होवे, बैखरी करदियां वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर मध्मा बाणी विच बुल हिलणगे जरूर, जीभ भी हिलदी है पर आवाज़ उहनूं पसंती बाणी कहा है, क्योंकि चार खाणियां हन, चार बाणियां हन। यह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर, क्योंकि बाणी ने वो डायरेक्शन वो दिशा निर्देश देना है कि किवें उस नाम तक पहुंचना है। जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा, नाम च स्थित करवाना है, जदों हिरदे दे विच अनुभव कीता पसंती बाणी है। आए कोई जाने कैसा नाओ, फिर परा बाणी उस दे विच स्वास दे उत्ते आ जांदा है, तनू जांदे वाहे बाहर नूं आउंदा गुरु, फिर मन टिक जाता है। प्रभ की उस्तत करो हो संत मीत, आस पिता जी ने अपने सपुत्र, क्योंकि तीन हंदे ने, एक पुत्र ने एक सपुत्र हन, तो कैसे भी हुंदे ने जिहड़े कपुत्र पिता की गल नहीं मनते, तो वो जिहड़ी जायदाद विरासत च मिलती है उसनों भी नुकसान, उसका भी नुकसान करते हैं। पुत्र उस जायदाद को ना घटाते ने ना बधाते ने, सपुत्र होर अगे बधाते हैं। वाह बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, ऐसिया विरागमयी कथावां सुन के कपुत्र पुत्र बन जाते ने, पुत्र उस तो भी अगे सपुत्र का दर्जा प्राप्त कर लेंदे हैं। सो इस तरह आग्या मनी इत्थे आपां विचार छड्डी सी कि आग्या सामने ही सहज सेवा, वो मन के आप जी अपने जिहड़ी बिंदी अंश सी जो गुरु रामदास पातशाह जी दे वड्डे भराता सहारी मल जी सन, उन्हां दे सपुत्र दे विआह विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी जांदे हन, उस समय गुरु तक गद्दी ते गुरु पिता गुरु रामदास जी सन। आप छोटे पुत्र होने दे नाते भी वड्डियां वाली गल कीती, आग्या मनी, ते फिर ये आग्या सी कि जदों तक असी बुलाउणा नहीं वापस आउणा नहीं, फिर उत्थे की करना, धर्मशाला दे विच सत्संग करना है। ते इस तरह दे नाल इनाम जपाउणा है, उत्थे सतगुरु जी धर्मशाला दे विच ये करदे हन। ते इधर क्योंकि जिहड़ा तीन तरह का ध्यान है उस दे के सामने
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦੀ ਨਾਰਿਆਂ, ਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਜਣ ਮੰਡਿਆਂ ਦੀਸ ਨਨ ਮਹੰਜ ਪਰਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁੱਚ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਤਿਲਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਿਰਖਣ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਵ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਾਂ ਭੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਸਿਉਂ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚੁਕੇ ਕਵੀਰਾ, ਐਸੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਪਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,
कि मैं कदों गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान हो जावां ते उधर आप जी दी नी विराजमी अवस्था है क्योंकि वराग दी विच ये सारी तो उपर दी अवस्था वैराग ते उस तो भी उपर वीत राग एक राग अटैचमेंट है वैराग डिटैच हो जाना है ना तो उपर वीत राग अवस्था उथे सारी ये जड़ी माया पुल है दूर हो जांदी इसे नु बाबा जी ने कहा है बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान सीता जितन बिरहो नल आखिया बिरहा तू सुल्तान खरीदा जित हो नव पुजे सो तन जान मसान ओ हिरदा कादा है जिदे अंदर वराग ही ना आवे हुण ऐसा हिरदा पिरथी चंद जी दा है अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत कहिए नानका है प्रीत नहीं भगवंत अत दर्जे दा सुंदर चतर मुख दा ज्ञानी इस सारे एक्सट्रीम पॉइंट तक हन पर ओ प्यार नहीं वराग नहीं राग में ही बाणी है किते गुरु पिता ने पढ़ ली वो तो उन्होंने गुरता गद्दी बख्श देंगे मन विच शंका है शंका आ जावे शर्दा नहीं देंदी शर्दा गुरु देते बनाउणी बहुत औखी है शंका आ गया जन्मां जन्मां दी ए राग की कला नष्ट हो जाती है किन्ने दुखा तो बाद वराग पैदा होता है ते विछोड़े दा दुख तो बहुत वड्डा है विछोड़ा सुने दुख दिन देखे मारे प्यारे आपने मेरी ना रोंद इस तरह दे नाल पत्र रख लिया कह दिता कि जाओ जी जदों तक बुलाउंदे नहीं आओ आना नहीं गुरु पिता दा हुक्म है सिख जांदा इस तरह दसदा दूजी होर पत्रकार विराग में भेजी जाती तेरा मुख सुहावा जियो सह ऐसी बेनती की फिर हो गया दर्शन देखे दर्शन
समा लंघ गया। छे महीने का समा लंघ चुका है ते जदों कागा हथ सनेहे कोठे ते चढ़ के बनेरे ते बैठ के वेदना प्रगट की जाती है देख मलीजा अपने राम प्यारे हालात ऐसी है वो जुम तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी जिरहा देखे सारंग पाणी तन सुदेस जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मरारे जियो हां कोली जियो कोल कमाई। हुण ऐसा आप जी दा वराग है ते ऐसे गुरसज्जन मीत मरारे जी उस वास्ते है कि जेड़ा ऐसा गुरु है कि निउची भावना है ने देखिया है कि पिता भावना जिवें पिरथी चंद जी दी है उन्हां दे कोल ओ भावना नहीं जो गुरु गुरु दी भावना जिवें गुरसिख गुरु दे उत्ते भावना रखता है। गुरु तो एक शीशे वांगू है। भाई गुरदास जी का फरमान है कि गुरु के दर ते आउंदे हां जो भी भावना हुंदी है वो पूरी हुंदी है। गुरु दियां निशानियां ये दसियां हन सतगुर पुरख ये कम है कम है कम है सतगुरु पुरख हो जानो धरती हो धर्म की सच्ची धर्मशाला जानो धरती धर्म की सच्ची धर्मशाला जी हां जी जय सो निर्मल आरती ओ आरती
जग वेखण वाला क्यों कर निर्बल आरती जग वेखण वाला जे हम कर पालिए सतगुरु जी उपर जिहो जी भावना हुंदी है उस भावना नू फल लगता है। उन्हां दी अगमता दा अनुमान नहीं लाया जा सकता। बेअंत बेसुमार बेअंत स्वामी कौन जाने ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਰਸੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰਗੜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਜੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਧਿਰੋਂਦ, ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਤਸੰਗ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਹੋਂ ਟੰਡੀਂਦੀ ਜੱਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਪਿਆਰ ਬਰਾਗ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਆਊ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਨ ਕੀ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ ਆਵੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨ